everyone, I am Satish Vansuthar, a public speaking coach, professional anchor and also a teacher. आज मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ हिलग्रोव स्कूल, जिसका एटमॉस्फेयर कैसा है, इसमें किस तरीके से गेम्स खेले जाते हैं, ग्राउंड कैसे हैं, क्लासेस कैसी हैं, किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे जो खड़ी हैं वो स्कूल की बसेज हैं, 5 टोटल नंबर से इनके 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अलावा भी और बसेज जो पीछे खड़ी है, इनके अगर कभी नीड होती है तो उन बसों का भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको और स्कूल के बारे में बताते हैं। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही सुनहरा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि प्रकृति की गोद में आप कह सकते हो। यहाँ पे आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाइएगा, यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप आगे देख रहे हो ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये देखिए। तो ये पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बास्केट्स खेलते हैं और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती हैं जो स्कूल में चलती हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो उनके फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके। तो पहले हम चलते हैं स्कूल के ग्राउंड में, उसके बाद आपको स्कूल दिखाएंगे कि स्कूल अंदर से कैसी है। अब ये जो आप पीछे देख रहे हो ये पानी के नल लगे हुए हैं, यहाँ पे आरओ लगा हुआ है जिससे बच्चों को एकदम प्योरीफाई वाटर पिलाया जाता है, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 बसें तो वहाँ खड़ी थी और कुछ एक्स्ट्रा बसेज भी हैं जो हमारे स्कूल में है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 4 बसें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आगे जो है 6, 7, 8 और 9, ये बसेज हैं जो यहाँ खड़ी हैं। ये फिलहाल अभी यूज़ में नहीं है, जब भी कोई एक्स्ट्रा नीड होती है इनकेस तब इन बसों का यूज़ किया जाता है, और इनकेस अगर हमारे पास और स्टूडेंट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो भी इन बसों का यूज़ किया जाएगा। और अभी मैं आपको ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड देखिए आप पीछे, वहाँ पर आपको एक नेट लगी हुई मिलेगी जहाँ पर वॉलीबॉल के गेम्स खेले जाते हैं, बाकी जितने भी सारे गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, सारे के सारे गेम्स यहाँ पे खेले जाते हैं। ये जो आप आगे देख रहे हो उधर सामने, ये जो है ये स्टेज है, जो भी स्कूल की एक्टिविटी होती है, एनुअल फंक्शन होता है या फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर कोई स्कूल की जो डेली असेंबली होती है वो यहाँ पर करवाई जाती है। एक बार ग्राउंड दिखा दीजिए पूरा। इसके बाद मैं आपको ले जाना चाहता हूँ स्कूल में, स्कूल की क्लासेस कैसी दिखती है अंदर से। और आज यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, आज डेट है 24th of August, और आज के दिन यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे और आपको अलग क्लासेस भी दिखाएंगे। चलिए आज चलते हैं। ये जो पीछे दिख रहा है ये मेन गेट है स्कूल का, यहाँ से हम एंटर करते हैं, देखते हैं अंदर से स्कूल कैसे दिखाई देती है। एंट्री पे जैसे आप एंट्री लोगे सबसे पहले आपको इस तरह से रिसेप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे हमारे मैम बैठते हैं, एक सर बैठते हैं। ये अंदर से इंडोर का नज़ारा है और ये हमारे करण सर बैठे हुए हैं, ये हमारे फिजिकल जो हैं वो सब ये देखते हैं, साथ में हमारे पास एक सीनियर मैम भी हैं, पल्लवी मैम। और आगे बढ़ते हैं और क्लासेस दिखाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले जो ये क्लास आपको दिख रही है ये है 10th क्लास, अभी चल रही है, अंदर महेंद्र जी सर है जो अभी इस वक्त क्लास चल रही है, तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, बाहर से आपको दिखा देंगे क्लास किस तरीके से चल रही है। ये जो क्लास है वो है 12th साइंस बायो, एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं। ये हमारे नीलेश जी सर थे जो साइंस बायोलॉजी पढ़ाते हैं।
सिंपल डाले की फॉर्मूले हैं आपके पास, उन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोडक्ट साथ में पीछे अभी यूनिट टेस्ट चल रहा है स्कूल के, तो एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.